नमस्कार दोस्तों, मैं कृति सिंह और स्वागत है आपका जीएन भारत के एपिसोड झारखंड हलचल में, जहां आज हम बात करेंगे झारखंड उपचुनाव को लेकर लोगों के बीच हो रहे हलचल के बारे में। झारखंड विधानसभा के 2 सीटों बेरमो और दुमका में 3 नवंबर को मतदान होंगे, वहीं 10 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दुमका सीट छोड़ने और बेरमो से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह की निधन के बाद ये दोनों ही सीटें खाली हो गई थी, जिसके लिए अब ये उपचुनाव कराए जा रहे हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी और जेएमएम के बीच सियासी जंग देखने को मिल रहा है। दुमका सीट में जहां जेएमएम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को खड़ा किया गया है, वहीं विपक्षी दल बीजेपी ने अपने तरफ से डॉक्टर लुईस मरांडी को प्रत्याशी घोषित किया है। इसी विषय में आज जीएन भारत की टीम लोगों से उनके विचार जानने पहुंची। तो चलिए जानते हैं इस उपचुनाव को लेकर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया। सर, आपका क्या नाम हुआ? अभिजीत। तो सर, अभी झारखंड के जो उपचुनाव होने वाले हैं 2 विधानसभा सीट के लिए, दुमका और बेरमो में, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को जीतनी चाहिए? ये तो वहाँ के लोगों पर डिपेंड करता है कि किस तरह का कार्य किया गया है। अगर वहाँ विकास का कार्य हुआ है तो ऑब्वियस है कि लोग उसी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन कभी कभी इम्पोर्टेंट होता है कि चुनावी रैलियाँ, तो अंतिम मौके पर जो भी मंत्री हैं, ठीक है, वो किस तरह की रैली करते हैं, तो रैली के बाद ही ये क्लियर हो पाता है। कभी कभी वोट विकास के नाम पे मिलता है, कभी कभी लोग सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं कि पार्टियाँ चेंज हो, अगर जेएमएम है तो बीजेपी है, बीजेपी है तो जेएमएम है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, जैसे भी जो भी पार्टी आएगी उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जनता के लिए वो क्या करें? मुझे लगता है कि शायद बीजेपी जीत सकती है इस बार। क्यों बीजेपी ही क्यों? क्योंकि वहाँ से जेएमएम तो जीत चुकी थी, और उन्हें वो सीट छोड़ दिया वहाँ पे, तो अब वहाँ के लोगों का ये भी हो सकता है कि जब जेएमएम जब यहाँ पे ऑलरेडी थी और उन्होंने ये सीट वहाँ से छोड़ दी, तो लोगों में ये तब लोगों की भावना भी है, ठीक है, कि ज़्यादा वोटों का अंतर नहीं होगा लेकिन बीजेपी बहुत दावेदार हो सकती है। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशाल सिंह हुआ। जी सर, जैसे कि अभी झारखंड के 2 विधानसभा सीटों बोकारो और बेरमो में उपचुनाव होने वाले, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतनी चाहिए? अभी तो जेएमएम का पल्ला भारी है जी, और उनका जो भी मैनिफेस्टो है जहाँ पर देखे जाए, अभी तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि ज़्यादातर क्या बोले, दोनों पक्ष की पार्टियाँ जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं जी जी, और मोटा मोटी बोला जाए तो जेएमएम ही है। हाँ। उनका ही पल्ला भारी है। तो आपकी क्या उम्मीद है, जैसे कि वहाँ की सरकार वहाँ के जनता के लिए क्या अच्छा कर सकती है उनके हित के लिए? देखिए, वहाँ का जनता ही डिसाइड करेगी ना। पिछले सरकार में जो कार्यकाल रहा होगा उनका विधायक का, अगर उनके अनुरूप नहीं रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि चेंज करेंगे वो। अब अभी का जो विधायक होंगे उनका कार्यकाल देखने के बाद ही पता चलेगा जी जी। क्या है, कौन से पार्टी से है, उनका क्या छवि रहा है जनता के बीच में। हो सकता है अगर अच्छा छवि रहा होगा उनका, जरूर जाहिर सी बात है कि जेएमएम का हो या फिर बीजेपी का, कैंडिडेट वही वहाँ पे विन होगी जिसकी कार्यकाल या फिर जो जिनकी छवि या इमेज अच्छा होगा जनता के बीच में। बाकी तो जो भी बने मूलभूत समस्याएं का ही समाधान करना है। सर, आपका क्या नाम हुआ? अंकित कुमार। सर, जैसे अभी दुमका सीट से जो है, पहले हमारे हेमंत सोरेन जो थे वो थे वहाँ से, वहाँ के नेता, तो अभी जो है उनके जगह पे वहाँ पे उनके भाई हेमंत सोरेन खड़े हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि उनके खड़े होने से क्या हो सकता है? ये उनके भाई को वहाँ से खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, उनका मतलब अपना घर का ही देख रहे हैं कि मतलब कोई वहाँ पर खड़ा हो जाए, लेकिन पार्टी है तो पार्टी में हर एक सदस्य काम करने वाला आता है, तो हेमंत सोरेन को ये भी देखना चाहिए कि मतलब उस एरिया में जो काम करने वाला अच्छा कार्य करता है उसको एक बार मौका देते तो वो भी अच्छा था। बाकी यही है कि मतलब वही परिवारवाद बात और बात हो जाएगा, जैसे कांग्रेस में आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। हम आपको झारखंड में हो रहे उपचुनाव की सभी जानकारियों से रखेंगे अपडेट, तब तक के लिए बने रहिए जीएन भारत के साथ। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।